दोस्तों, तीन ग्रहों की युति की इस सीरीज में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। ये उस सीरीज का 20वां वीडियो है और आज इस वीडियो में हम जिन तीन ग्रहों की चर्चा करेंगे वो तीन ग्रह हैं चंद्रमा, बुध और गुरु। जैसा कि नाम से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, चंद्रमा, बुध और गुरु तीनों ही शुभ ग्रह हैं। तो साफ जाहिर है कि जब ये तीनों ग्रह किसी जातक या किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ विराजमान होंगे तो फल भी शुभ ही देंगे। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रमा, बुध और गुरु की युति का फल कथन क्या होगा अगर किसी जातक या किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ विराजमान हो। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति या जातक की कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति सर्वाधिक भाग्यवान होता है, सबसे अधिक भाग्यशाली होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु की युति हो वो व्यक्ति भाग्य के मामले में सर्वश्रेष्ठ होता है, भाग्यशाली व्यक्ति होता है और उसकी जो मनोवृत्ति है वो सबसे सुंदर होती, सर्वश्रेष्ठ मनोवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। मन का जो व्यवहार है, मन की जो वृत्ति है, मन का जो उसका आचरण है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही श्रेष्ठ मनोवृत्ति वाला व्यक्ति होता है और बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, साथ में बुध और गुरु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा और साथ ही साथ यशस्वी भी व्यक्ति होगा। यश, कीर्ति, मान सम्मान के मामले में उसकी ध्वजा चहुं ओर फिरेगी, यानी ऐसा व्यक्ति परम यशस्वी होता है और समाज में, देश में, राज में उसकी प्रसिद्धि चहुं ओर सुनने को, देखने को मिलती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने राज्य में, अपने देश में सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक होता है। उसके अपने अच्छे मित्र भी होते हैं, श्रेष्ठ मित्र भी होते हैं, अच्छे ही नहीं श्रेष्ठ मित्र भी होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु की युति हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ मित्रों वाला होता है और उसके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है, यानी वो तेजस्वी व्यक्ति होगा। क्योंकि चंद्रमा, बुध और गुरु की युति है तो साफ जाहिर है कि व्यक्ति तेजस्वी होगा और चंद्रमा, बुध और गुरु व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं। यहाँ ये बात देखने लायक है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी व्यक्ति होता है, कुबेर का खजाना उसके पास होता है एक तरह से। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में चंद्रमा, बुध और गुरु की युति होगी और अन्य ग्रह अगर शुभ स्थितियों में हैं उस व्यक्ति की कुंडली में, तो व्यक्ति बेहद धन दौलत वाला होगा, अकूट धन दौलत वाला व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति पुत्र से, मित्र से, स्त्री के सुख से युक्त होता है। उसके पास सुंदर स्त्री होती है, उसके पास में सुंदर पुत्रादि होते हैं, उसके पास में सुंदर मित्र होते हैं, अच्छे आचरण और व्यवहार वाले मित्र होते हैं, इन सब के सुखों से युक्त होता है। पुत्र सुख से युक्त होता है, मित्र सुख से युक्त होता है और स्त्री के सुख से भी युक्त होता है। और बोलने में ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता होता है, बोलने में बहुत माहिर होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा के साथ में बुध और गुरु विराजमान हैं, बुध वाणी के कारक हैं, तो साफ जाहिर है कि ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता भी होगा। अगर सारांश में इन तीन ग्रहों की युति के फल कथन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जातक जिसकी जन्म के समय या जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीनों ग्रह चंद्रमा, बुध और गुरु एक साथ विराजमान हो या इन तीन ग्रहों की युति हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान, भाग्यवान, श्रेष्ठ मनोवृत्ति वाला, यशस्वी, परम प्रसिद्ध, श्रेष्ठ मित्रों वाला, तेजस्वी, धनवान, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के सुख से युक्त और परम कुशल वक्ता होता है। तो दोस्तों, ये था चंद्रमा, बुध और गुरु की युति का फल कथन। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किन्हीं तीन और ग्रहों को लेकर के चर्चा करेंगे कि अगर वो तीन ग्रह किसी व्यक्ति या किसी जातक की कुंडली में, किसी भाव में, किसी घर में एक साथ विराजमान हो तो उसका क्या फल कथन होगा, वो चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।